Some fungi live in symbiotic association. ठीक है, मीन्स दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे. इसका मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि अगर इनकेस कोई भूल जाए तो उसको याद रहे. सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होगा? बोथ ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड benefits to each other. ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे थे. एग्जाम्पल हमने देखा था, जैसे कि आपके फंजाय लाइकेन. हाँ बेटा, वेरी गुड. फंजाय प्लस एल्गी, ये दोनों जब साथ में रहते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं? दैट फॉर्म्स लाइकन्स. ठीक है, आपका लाइकन देखने में एक ऑर्गेनिज्म की तरह लगेगा. इट लुक्स लाइक ये कोई ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एक्चुअल में वो फंजाई और एल्गी हैं. जब ये फंजाई और एल्गी आपस में मिलकर लाइकन्स बना देते हैं तो आप उस लाइकन में फिर ये नहीं बता सकते कि कौन सा फंजाई है और कौन सा एल्गी है. मतलब दो जिसमें एक जान वाली बात है कि भाई दो बॉडी थी लेकिन जान अब एक हो चुकी है. देख के नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा आपका एल्गी और कौन सा आपका फंजाई. ये वाली लाइन याद रखना, दो बॉडी है जान एक ही है लेकिन दैट इज योर लाइकन्स. अब मैं यहाँ पे नीट में जो क्वेश्चन आया है वो बता देता हूँ कि इसमें से कैसा क्वेश्चन पूछा. वो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, हाँ वो ये चीज पूछ सकते हैं लाइकन्स किसका एसोसिएशन है, तो दैट इज फंजाई और एल्गी का होता है, ये चीज आपको पता है. लेकिन मैं यहाँ नाम भी लिख दे रहा हूँ कौन सी फंजाई और कौन सी एल्गी, ये चीज भी ध्यान रखना आप लोग. फंजाई जो होती है दैट इज एस्कोमाइसिटीज, ये क्लास है फंजाई की. और एल्गी जो होती है वो होती है ग्रीन ग्रीन एल्गी. तो आपकी ग्रीन एल्गी और एस्कोमाइसिटीज, ये दोनों जब साथ में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं आपके? लाइकन्स. ठीक है बेटा, तो देखो क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा सकता है, वो एस्कोमाइसिटीज या ग्रीन एल्गी ऑप्शन में दे देगा आपको. ठीक, या फिर डायरेक्टली पूछ लिया कि चलो फंजाई और एल्गी ऑप्शन में दे दिया उन्होंने, या फिर एक और ऑप्शन देता है. फंजाई को हम क्या बोलते हैं? माइकोबायोट्स. माइको समझ में आया, मैंने बताया था ना माइको का मतलब क्या होता है? फंजाई. ऐसी एल्गी का होता है फाइको बायोट्स, फाइकोलॉजी. अगर आप फाइकोलॉजी टर्म पढ़ो तो दैट मीन्स वो है स्टडी ऑफ एल्गी. तो समझ में आया, जहां फाइको मीन्स आएगा, फाइको आ गया वो एल्गी है, जहां माइको आ गया वो फंजाई है. तो वो आपसे ये ऑप्शन में भी दे सकता है कि माइकोबायोट्स प्लस फाइकोबायोट्स. तो क्वेश्चन कैसे आएगा मैंने आपको समझा दिया. एसोसिएशन जो होगा किसके बीच में होगा? फंजाई और एल्गी. ये चीज आप बच्चों याद रखना आज. अच्छा एक चीज और, लाइकन्स जो होते हैं ना बच्चों, बहुत बढ़िया पॉल्यूशन इंडिकेटर माने जाते हैं. ये ऐसी जगहों पर ग्रो करेंगे जहां पर कि पॉल्यूशन नहीं होता. अगर आपके घर के आसपास लाइकन मिले तो आप समझ लीजिए कि आपके घर के आसपास जो एरिया है ना वो बहुत साफ है, वहां कोई पॉल्यूशन नहीं. और अगर आसपास लाइकन्स नहीं दिखते आपको तो समझ लीजिए कि आप ऐसी जगह रह रहे हैं हम सब जहां पर कि पॉल्यूशन है. मैं बता देता हूं ये किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, ये भी चीज आई है. पहले तो ये बताइए, एसोसिएशन समझ में आ गया सभी को? यस सर. यस सर. ठीक है बेटा, वेरी गुड. अब देखिए मैंने आपको बताया लाइकन्स जो होते हैं हमारे, ये क्या हैं? आपके पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं. तो मैं ये चीज बता दे रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं. दैट इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर.
कैसे? लाइकन्स जो होते हैं दैट इज सेंसिटिव फॉर SO2. SO2 आप सभी को समझ में आती है, सल्फर डाइऑक्साइड. तो जब पॉल्यूशन में जब पॉल्यूशन जब होता है तो उसमें ये गैस प्रेजेंट होती है मेनली. एयर पॉल्यूशन जो होता है आपका, चाहे वो फैक्ट्री से हो रहा हो चाहे गाड़ियों के धुएं से हो रहा हो, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है. तो जैसे ही आपके एनवायरनमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड आ जाती है, वहां लाइकन्स ग्रो नहीं करते, लाइकन्स वहां पर खत्म हो जाते हैं बिल्कुल. तो इसलिए आज की डेट में लाइकन्स जो मिलते हैं ना बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ जंगलों में मिलते हैं, क्योंकि जंगल में कोई पे भी किसी भी तरह का एयर पॉल्यूशन नहीं है. बात समझ में आई? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका लाइकन्स जो है ये किसके लिए सेंसिटिव है. दैट इज सेंसिटिव फॉर SO2. सो दैट्स व्हाई इट इज एक्ट एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर. बात समझ में आई बेटा? फिर से समझाऊं? समझ गए नूर सर, बेटा, समझ तुम्हें समझ में आ गया? ठीक बेटा. सो बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है आज, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन, ये दोनों ही चीजें नीट में आई हुई. 12th क्लास में लाइकेंस के बारे में आप थोड़ा और डिस्कस करोगे. आप जब 12th क्लास में आएंगे ना, वहां लाइकेंस के बारे में बताया जाएगा कि इनका क्या रोल था. पहले पुराने टाइम में जब गाड़ियां नहीं थी और इतनी फैक्ट्रीज नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो लाइकेंस आपके घर के आसपास बहुत बहुत ग्रो करते थे, पेड़ों पे बहुत बन जाते थे. लेकिन अब नहीं हो पाते क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया. तो ये चीज भी आपकी नीट में है, ठीक है? ये पूरा पूरा एंड दैट इज ऑल्सो, ये भी आपका नीट में आया था कि लाइकेंस किसके लिए सेंसिटिव होते हैं. दैट इज सेंसिटिव फॉर सल्फर डाइऑक्साइड. ओके बच्चों, अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट. दूसरा जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन था, पहला सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो हमने समझ लिया, दैट इज आपका लाइकेंस बनता है. दूसरा मैंने बताया था कि फंगस जो होते हैं, कुछ फंगस हायर प्लांट्स की रूट्स में मिलते हैं. ठीक है, तो जो फंगस आपके हायर प्लांट्स के रूट में मिलते हैं वो क्या बनाते हैं? दैट फॉर्म माइकोराइजा. ये टर्म भी याद रखने वाला है. दो तरह का एसोसिएशन मिलेगा, एक लाइकन्स बनाता है और दूसरा माइकोराइजा बनाता है. आपको ये चीज तो समझ में आ चुकी है कि आपके फंगस और एल्गी हो या फंगस या प्लांट्स हो, ये काम क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं. एल्गी के संग जब फंगस रहता है तो वो फंगस क्या करता है, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, बदले में एल्गी से वो न्यूट्रिशन ले लेता है, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है तो वो अपना खाना बनाती है, तो बदले में वो खाना फंजाई को भी शेयर कर देती है. ऐसी जब फंगस हायर प्लांट्स के संग रहता है तो प्लांट से इसको न्यूट्रिशन तो मिल जाता है, बदले में ये क्या करता है, जो रूट्स का सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देता है. तो उससे आपके रूट्स जो होती हैं वो आसानी से और ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं वाटर का, प्लस ये रूट को इन्फेक्शन से भी बचाता है. अभी समझाऊंगा कैसे. ठीक है, फंगस कौन सी होगी जो हाई प्लांट्स की रूट्स में मिलती हैं, वो मैं लिख दे रहा हूं, दैट इज बेसिडियोमाइसिटिस. ये भी क्लास है फंगस की, 4 क्लास होती हैं जो आप पढ़ेंगे अभी आने वाले क्लासेस में. और हायर प्लांट्स कौन से होते हैं, दैट इज पाइनस. ये पाइनस जो होता है बेटा जिम्नोस्पर्म है. जब आप प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ोगे ना, तब वहां पर ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो इस प्लांट्स की रूट में बेसिडियोमाइसिटिस रहती है और ये क्या बनाते हैं, माइकोराइज. बात क्लियर बच्चों? यस सर, दैट फॉर्म. यस सर, ठीक बच्चों, ओके. अब मैं समझा देता हूं कि कैसे ये रूट जो होती हैं इनको इंफेक्शन से बचाती हैं आपके फंगस. जैसे सपोज करिए ये कोई प्लांट की रूट थी, ये इसमें से रूट हेयर्स निकले,
ठीक है, मैंने एनलार्ज करके दिखा दिया, ये रूट हेयर है, ठीक है, ऐसे सेम ऐसे ये निकले उधर से, ठीक है बच्चों, डायक्ट्रिस ये रूट है। अब आपका फंगस क्या करता है बेटा, ये इन रूट के चारों तरफ अपनी रैपिड ग्रोथ करता है और इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेता है चारों तरफ, माइकोराइजा जिसे हम कहते हैं, बहुत थिक लेयर होती है, मतलब चारों तरफ से इतना टाइटली अरेंज होता है कि कोई भी पैथोजन तक अंदर नहीं जा सकता। पैथोजन समझ में आ रहा है, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो प्लांट्स की रूट को इन्फेक्शन कॉज कर सकता हो, प्लांट की रूट को खराब कर दे, ऐसा कोई भी पैथोजन इस स्ट्रक्चर के क्रॉस नहीं जा पाता। तो ये देख रहे, ये क्या थी, दैट इज फंगस जो इस रूट के चारों तरफ फॉर्म हो गई, ठीक है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाया जाएगा, दैट दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइकोराइजा। बात समझे, ठीक है, ये हो गया माइकोराइजा। अब ये माइकोराइजा क्या कर रहा है, जो काम आपकी रूट हेयर कर रही थी एब्जॉर्प्शन का, ये भी वही करेगा, ये अपने सरफेस एरिया को बढ़ाता रहेगा, तो ये सेम वही वाटर एब्जॉर्प्शन करेगा एंड उस वाटर को रूट के अंदर पहुंचा देगा। बदले में इस फंगस को क्या मिल जाएगा प्लांट से, न्यूट्रिशन, और रूट को क्या मिल रहा है, एक तो उसको शेल्टर, हाँ उसको एक तो अपना बेटा क्या कहते हैं सरफेस एरिया उसका बढ़ गया, तो उसको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर ज्यादा मिल रहा है, प्लस प्रोटेक्शन भी मिल रही है, क्योंकि कोई भी पैथोजन इस फंगस को क्रॉस करके रूट के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा, तो जो भी रूट पैथोजन होंगे वो इन्फेक्शन नहीं कर पाएंगे, रूट को खराब नहीं कर पाएंगे। बात समझे, बताइए। यस सर। ओके यस सर। तो ये चीज ध्यान रखना। यस सर। अब आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन और अच्छे समझ में आ चुका होगा कि देख रहे हो आप कि दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो दिस इज योर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो मेन चीज आपने समझ ली, फंगस जो होती थी उसके स्ट्रक्चर जो होता था सिंगल सेल, जो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड हाइफी, एंड यही हाइफी आपस में मिलकर बनाते हैं, क्या नाम बोलते हैं उसको हम बेटा, माइकोराइजा, फंगस की स्ट्रक्चर को माइसीलियम, हाँ माइसीलियम, ठीक है, दैट इज। तो आपको आप स्ट्रक्चर समझ में आ चुकी है, आप लोग जानते हो नाउ कि स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, माइसीलियम। अब बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन की, एक मिनट, अब नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा फंगस का, दैट इज रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन तो करेंगे ही करेंगे, ठीक। तो देखिए बेटा, मैं आज आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूं कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है। आपके जो फंगस होते हैं तीन तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, तीन तरह से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लास्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये टर्म्स आपने पहले भी सुने होंगे, लास्ट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं इसको हम लोग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपका जो होता है तीन तरह से होता है, हम डिटेल्स में कल पढ़ेंगे इन चीजों को, फिलहाल मैं आप लोगों को समझा देता हूँ होता कैसे, नाम लिख दे रहा हूँ आपको। ये तीन टाइप का होता है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन,
ये आपने असेक्सुअल में पढ़े थे 10th क्लास में, असेक्सुअल में पढ़े थे राइट, असेक्सुअल के टाइप थे फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। ये सारी चीजें आप तीनों प्रोसेस को आप जानते हो, ये चीजें आपने 10th क्लास में पढ़ी। कल हम इन चीजों को ही इसके रिप्रोडक्शन को डिटेल में समझेंगे। ओके बेटा, आज जो मैंने आपको पॉइंट्स डिस्कस करे वो सारे समझ में आए? यस सर। यस सर। यस सर। गुड बेटा, कल हम लोग फिर मिलते हैं। यस सर। ओके बेटा, कल हम वापस मिलते हैं 3 बजे। आप प्लीज सारे बच्चे ऑन टाइम ज्वाइन कर लेना 3 बजे। वी विल स्टार्ट द क्लास। कल और मजा आएगा इस चैप्टर को समझने में, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो बेटा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों।